हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? लास्ट हमने ये देखा, ड्रॉप कमांड का यूज कैसे करते हैं, अल्टर का यूज कैसे करते हैं, अगर किसी को एग्जिस्टिंग कॉलम का साइज चेंज करना है तो कैसे करेंगे, किसी कॉलम को ड्रॉप करना है तो कैसे करेंगे, टेबल को ड्रॉप करना है तो कैसे ड्रॉप करते हैं, क्या ये सीखे थे, क्या एसक्यूएल क्या सेंसिटिव है तो नहीं है, क्या सेंसिटिव नहीं है, अगर टेबल में किसी डेटा में कुछ भी चेंज करना हो तो हम किस कीवर्ड से करते हैं, अल्टर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसी में हम आज सीखते हैं, किसी भी चेंज करना है कॉलम के नेम को, पहले हमने क्या सीखे थे, डिलीट करना, अब हम क्या सीखेंगे, कॉलम का नाम चेंज करना। कॉलम का नाम कैसे चेंज करेंगे, जैसे ये नेम है, ओके, हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट नेम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, फर्स्ट एसपी राइट एंड अंडरस्कोर जी नेम स्पेस सिंगल कोट टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट स्टूडेंट ठीक डॉट ठीक क्या लिखेंगे, ओल्ड नेम हमारा क्या है, ओल्ड नेम क्या है हमारा, नेम सिंगल कोट ठीक कॉमा ठीक न्यू नेम, हम न्यू नेम क्या रखना चाहते हैं, फर्स्ट नेम रखना चाहते हैं, फर्स्ट नेम ओके सिंगल कोट कॉमा सिंगल कोट फिर कॉलम सी ओ एल यू एम एन कॉलम सिंगल कोट, ये हमारा कमांड फिनिश हो चुका है। अब इसमें शिफ्ट होम करते हैं एंड F5 क्लिक करते हैं, चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक स्क्रिप्ट एंड स्टोर प्रोसीजर, ओके इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा जो नाम था चेंज हुआ जाएगा, अभी एक बार सेलेक्ट एंड कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम H2 स्टूडेंट, कॉलम का नाम हमारा सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, नेम था हमारा फर्स्ट नेम कर दिए स्टूडेंट। फ्रेंड्स, ये हमारा सब ये सब बेसिक पार्ट हम सब सीख रहे हैं, जब से फर्स्ट में बेसिक किए, सेकंड में बेसिक किए, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सब अभी हमारा बेसिक पार्ट चल रहा है, इसके बाद से हमारा एडवांस पार्ट चलेगा, उसके बाद इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी कमांड हो उसे हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्या चलेंगे, बेसिक पार्ट, ओके सॉरी बेसिक एडवांस पार्ट पे। यहाँ पे हमने कॉलम नेम चेंज करना सीखे, ये हमारा कॉलम नेम कैसे चेंज करते हैं उसका कमांड है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग टेबल, अगर कोई भी टेबल का नाम बाई चांस हमने कुछ गलती से डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो हम उसको टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, हमने कॉलम का नेम चेंज करना सीखे, डेटाबेस का नाम चेंज करना सीखे, अब हम टेबल का नाम चेंज करना सीखते हैं, तो इसके लिए वही SP अंडरस्कोर रीनेम स्पेस ओल्ड टेबल नेम, आप क्या करेंगे, ओल्ड टेबल नेम का ना स्टूडेंट है, ये सिंगल कोट कॉमा हमारा क्या है, न्यू टेबल नेम हम क्या रखना चाहते हैं, जो भी आप रखना चाहते हो, जैसे H2 रखना चाहते हैं, तो ये सिंगल कोट में हमारा ये आएगा सिंगल कोट H2 हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, कॉमा डाल के कोट में ऑब्जेक्ट कोट सिंगल कोट शिफ्ट होम F5, देखिए हमारा जो स्टूडेंट है सक्सेसफुली चेंज हो चुका होगा, ये देखो
S2 हो चुका है। और हमारा स्टूडेंट नहीं है ये, एक हमारा अभी स्टूडेंट F4 क्लिक कर दिया, F5 सब्जेक्ट नेम इनवैलिड, हमारा स्टूडेंट है अब S2 है, S2 नाम से। कॉलम नेम चेंज करना सीखे, टेबल नेम कैसे चेंज करते हैं वो हम सीखे हैं, हम सीखते हैं हाउ टू चेक स्ट्रक्चर। हमने ये टेबल तो बनाया है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या है इसके अंदर, वो कैसे चेक करते हैं, उसका कमांड है sp_help टेबल नेम, टेबल नेम क्या है S2 है, ये टेबल नेम S2 ऑनर DBO, टाइप क्या है, यूजर टाइप है, किस टाइम इसको क्रिएट किए ये है, हमारा कॉलम नेम ये है, इसका टाइप क्या क्या है, इंटीजर है और वायर क्या है, ये सब वायर क्या है, इसका लेंथ क्या है, लेंथ 4 बाइट है, जैसे कि हमारा बाइट इंटीजर का कितने बाइट होता है, साइज 4 बाइट होता है, तो 4 बाइट है, हमने इसका लेंथ कितना दी है वायर के का 50 दी है, तो 50 है, ये सब है, इसमें स्केल्स है, नलेबल है, हाँ यस है, ओके ये सब जो भी है इसके अंदर दिया हुआ है, इसमें ग्रिड व्यू नो बता रहा है, इसमें प्राइमरी बता रहा है ये, ओके ये हमारा स्कीमा चेक करने के लिए क्या लिखते हैं sp_help और टेबल नेम, ओके अब हम क्या करते हैं टेबल में नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं, टेबल में नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं, अभी हम आपको बताते हैं कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, अगर कॉलम में डेटाबेस में कुछ भी चेंज करना है तो क्या करते हैं अल्टर की का यूज करते हैं, तो अल्टर की का यूज करो पहले, अल्टर की टेबल के टेबल नेम S2 है, उसके बाद ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, पहले हम क्या कहते थे डिलीट करने के लिए ड्रॉप किए थे, तो हम क्या करेंगे इस बार ऐड करेंगे, ओके ऐड क्या करना चाहते हैं, हमारा टेबल देख लेते क्या क्या है टेबल में, ये कॉलम है, ये ईमेल आईडी है, अब यहाँ पर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, अब यहाँ पे हम सिटी ऐड करना चाहते हैं, सिटी ओके सिटी का सिटी ऐड तो ऐड कर लिए, और उसका साइज कितना होना चाहिए, जो भी आप साइज देना चाहते हो गैर केयर 50 ओके 50 साइज होनी चाहिए, ये हमारा कमांड सक्सेसफुल हो चुका है, आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं, ये कॉलम ये देखिए सिटी, इसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम S2 सिटी हो चुका हमारा सक्सेसफुल, इतना ना लगे कि अभी हमने इसमें कुछ भी इंसल्ट नहीं करवाया, ओके हमारा अगला वीडियो बनेगा डेटा इंटीग्रिटी पर, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब यही है, अगर आप डेटा इंटीग्रिटी किसी टेबल में लगाते हो तो उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, अगर उसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू अगर एक्सेस करना, जैसे आप फ़ोन नंबर एक्सेस करना हो तो उसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं, आसानी से उसका वैल्यू फेच कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट पर किसी वैल्यू को इधर उधर फेच करना होता है, उसी को हम डेटा इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी कहते हैं, तो हम उसको बताएंगे अभी अगले वीडियो में, ओके प्लीज़ सब्सक्राइब, धन्यवाद।